बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। अब हम यहाँ से प्रोजेक्ट में से अपने वीजुअल स्टूडियो से वैल्यूज़ इंसर्ट करवाएंगे डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो ADA.NET का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट .NET। इसका बेसिकली अपना कोई इंटरफेस नहीं है, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर, ठीक है। तो उसके लिए हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, विंडो फॉर्म। हमारे पास डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हैं, ठीक है। तो मैं आइटम कैटेगरीज को पहले इसमें डेटा हम इंसर्ट करवाते हैं आइटम कैटेगरीज में। इसमें ऑलरेडी हमारे पास कितना डेटा है वो हम देख लेते हैं। फाइव, ठीक है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, एक डीएक्टिव है और एक डीएक्टिव नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं। मैं एक मास्टर जो हमारी, इनको बेसिकली हम लुकअप फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। FRM लुकअप, ठीक है। क्या है जी? आइटम कैटेगरी, ठीक है। ये लुकअप फॉर्म होते हैं जिसमें आप वन टाइम एंट्रीज करवाते हैं मास्टर फॉर्म्स, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्म आ गया आइटम कैटेगरी, इसको हम ऐड करवा लेते हैं अपने मेन फॉर्म में। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ लुकअप फॉर्म्स या मास्टर फॉर्म्स, ठीक है, जो भी आप मास्टर एंट्री फॉर्म कर लेते हैं, मास्टर एंट्रीज फॉर्म्स, एंट्री फॉर्म्स, ठीक है, मास्टर एंट्री फॉर्म्स। यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये कौन सा है आइटम, ठीक है। और इसके क्लिक पे हम ओपन कर लेते हैं फॉर्म को। मी डॉट ओपन चाइल्ड फॉर्म FRM लुकअप आइटम कैटेगरी, ठीक हो गया। मेन फॉर्म का काम यहाँ पे ख़त्म, इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास आ जाए एक लेबल, ठीक है, और उसके साथ आ जाए एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और एक हमें चाहिए चेक बॉक्स। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। मैं लेबल की प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ ऑटो साइज फॉल्स एंड टेक्स्ट जो है वो आ जाए लाइक दिस, और ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। दो चाहिए, एक हमें चाहिए क्या चीज़, आइटम कैटेगरी में अगर देखें, एक हमारे पास आईडी है, एक डिस्क्रिप्शन है और एक डीएक्टिवेट है। डीएक्टिवेट में यस या नो आएगा तो उसके लिए मैंने चेकबॉक्स रख दिया। इसकी प्रॉपर्टी में आता हूँ, मैं इसे कहता हूँ आईडी, आइटम। तो यहाँ पे हम इसका नाम कर देते हैं, सॉरी, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, जस्ट कैटेगरी नहीं, ठीक है, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, जस्ट डिस्क्रिप्शन या कैटेगरी वगैरह जो भी आप करना चाहें। चेकबॉक्स आ गया, तो चेकबॉक्स को मैं दे देता हूँ, ये क्या है जी, डी एक्टिव, ठीक है, डी एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो चेकबॉक्स आ गए यहाँ पे। कुछ हम बटन्स ले लेते हैं, ठीक है, न्यू के लिए, सेव और अपडेट के लिए, ठीक है, डिलीट के लिए एंड क्लोज के लिए, वटेवर जो भी आप करना चाहें, ठीक है।
न्यू रखना चाहें रखें, नहीं रखना चाहें तो जैसा आपका फॉर्म लोड हो तो न्यू स्टार्ट में हो जाए, अगर आप देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, न्यू सेव, डिलीट देना चाहें तो डिलीट दे सकते हैं, और साथ में हम डिलीट के लिए डिलीट की जब प्रेस करें तब भी डिलीट हो जाए, और प्लस हम कह देते हैं क्लोज। ठीक है, तो ये हमारे चार बटन हो गए। यहाँ पे नीचे हम वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देंगे जो ऑलरेडी मौजूद है डेटाबेस में। इन सबको मैं उठाता हूँ, लाइन अप कर लेते हैं। ठीक है, इनको मैं मिडल में ले आता हूँ, सेम इसी तरह इनको भी फॉर्म के मिडल में ले आता हूँ। ठीक है, सेंटर, और इनका थोड़ा सा साइज मैनेज करते हैं, देन लेट्स सी। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया फॉर्म का काम। हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है जिसके साथ हम डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे से कहता हूँ txt आईडी। ठीक है, कैटेगरी आईडी, एंड सेकंड वन txt डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया, चेकबॉक्स है तो इसके लिए मैं कह दूँगा chk deactive, ये हमारा चेकबॉक्स है जिसके साथ डीएक्टिविटी वैल्यू आएगी। ठीक हो गया यहाँ तक, ओके। अब डेटाबेस में जाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन, कि आपने किस डेटाबेस के साथ जाना है। ठीक है, तो कनेक्शन के लिए आपके पास अवेलेबल होगा सर्वर एक्सप्लोरर। ठीक है, यहाँ से आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, किंतु डेटाबेस स्ट्रिंग को याद रखने उसमें चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे, एक डेटा सोर्स। ठीक है, डेटा सोर्स मीन्स आपका जो सर्वर है उसका इंस्टेंस नेम। ठीक है, वो आपका डेटा सोर्स में आएगा। दूसरी चीज़ इनिशियल कैटलॉग, जो आपकी डेटाबेस का नेम होगा। तीसरी चीज़ यूज़र आईडी, जो आपका यूज़र होगा सीक्वल का। ठीक है, और चौथी चीज़ पासवर्ड। ठीक है, ये चार चीज़ें मिनिमम रिक्वायर्ड होंगी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, सीक्वल की डेटाबेस के साथ, सीक्वल सर्वर। ठीक है, जो सर्वर बेस्ड होगी। यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा कौन सी डेटाबेस, तो हमने कहना है सीक्वल सर्वर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक OLEDB है और एक डेटा प्रोवाइडर फॉर। OLEDB जो है वो 2000 और अबव यूजिंग OLEDB, और सेकंड वन जो है वो 2005 और अबव। ठीक है, तो हम सेकंड ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगी वो हम चूज़ करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ पे हम अपना सर्वर नेम देंगे, अगर ज़ुबानी है आपको पता है तो आप यहाँ पे सर्वर नेम, जो SQL मेरा जो इंस्टेंस है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा, अगर नहीं पता तो आप लिस्ट में से उसको पिक। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन, जो आप यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास सेम यूज़र नेम एंड सेम पासवर्ड है। ठीक है, मैं कहता हूँ सेव माई पासवर्ड। जब आपका ये पासवर्ड करेक्ट होगा तो देन आपके पास लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, लिस्ट में से आपने अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, डेटाबेस सिलेक्ट की, कनेक्शन सक्सेडेड, दैट्स इट। एडवांस ऑप्शंस में आपको मल्टीपल ऑप्शंस आ रही होंगे, आपका यूज़र आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है, आपका डेटा सोर्स क्या है, और इनिशियल कैटलॉग क्या है। ठीक हो गया, यही चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही होंगी, डेटा सोर्स, सेमी कॉलन, इनिशियल कैटलॉग। ठीक है, उसके बाद पोजीशन सिक्योरिटी इन्फो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूज़र आईडी SA, ठीक है, एंड उसके बाद पासवर्ड जो भी आपका होगा। ठीक है, ओके किया, यहाँ पे आपके पास एक कनेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आपको बना के दे देगा कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो स्टैटिक फॉर द सिक्योरिटी रीजन। ठीक हो गया, यहाँ तक तो ये काम हो गया। अगर यहाँ से आप बना लेंगे तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी, नहीं बनाते कोई मसला नहीं, हम अपनी भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके, पहले हम इस काम को
सिंपल वे से करेंगे कि विद इन अ क्लास विद इन अ फॉर्म रहते हुए हम इंसर्शन करें, यहीं पर अपना कोड लिखें सारा कुछ, ठीक है। जितने मल्टीपल तरीकाकार हैं वो ऐसे ऐसे चलते चलते हम ऊप्स प्लस डेटा एक्सेस लेयर तक पहुँचेंगे, ठीक है, बिजनेस लेयर एंड डेटा एक्सेस लेयर तक। पहली जो बेसिक है, अब इसमें आईडी जो है हमारे पास कैटेगरी में, आइटम कैटेगरी की जो आईडी है वो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ठीक है। वो क्या है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है, इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंटेड रखा हुआ है कि ये हमारी यूज़ ना हो, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, इसको इनेबल फॉल्स कर देता हूँ कि यूज़र इसमें एंट्री ना कर सके, ठीक है, या रीड ओनली कर दें या इनेबल फॉल्स कर दें, जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक हो गया। दूसरा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे यूज़र डिस्क्रिप्शन डालेगा, डीएक्टिव है या नहीं है। मैं आता हूँ सेव के बटन के ऊपर कि जब यूज़र सेव करे, थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ, चीज़ें क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन जो है वो हमारा आएगा सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट डॉट सीक्वल कनेक्शन, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको इंपोर्ट कर लें या आप ऐसे लिख लें, डिम मैं कहता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन एज न्यू एसक्यूएल क्लाइंट डॉट एसक्यूएल कनेक्शन। अब एसक्यूएल कनेक्शन, उसके बाद आप इसको कनेक्शन स्ट्रिंग दे सकते हैं या जस्ट यहाँ पे इनिशलाइज कर लें विद न्यू इंस्टेंस, ठीक है। यहीं पे अगर आप इसको कनेक्शन स्ट्रिंग देना चाहें तो वो डबल कोड के अंदर यहाँ पे आप इसको कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दें, ठीक है, जो भी इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक हो गया। पहली चीज़ हमें चाहिए होती है अगर यहाँ पे SQL क्लाइंट आपको ये शो ना कर रहा हो तो आप इस तरह लिखेंगे सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली सिस्टम डॉट डेटा जो है वो इंक्लूड होती है आपके रेफरेंसेस के अंदर, ठीक है। अगर ये काम भी आप नहीं करना चाहते कि मैं ये तीनों यूज़ नहीं करना चाहता, इसको कॉपी करता हूँ, कमिट एंड पेस्ट। आप चाहते हैं कि सिर्फ आप SQL कनेक्शन यूज़ करें, ठीक है। अब मैंने SQL कनेक्शन, अगर आपको स्पेल याद है, आप स्पेल यहाँ पे लिख देते हैं और यहीं से इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एरर हेडिंग के ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, या यहाँ पे आप मैन्युअली इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक हो गया, दोनों काम हो सकते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग में चाहिए डेटा सोर्स इक्वल टू सर्वर माई पी सी नेम एंड मेरा इंस्टेंस नेम SQL का इंस्टेंस नेम, सेमी कॉलन। सेकेंड थिंग, केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल कैपिटल अब बहुत लिख सकते हैं। सेकेंड चीज हमारी क्या आएगी, इनिशियल कैटलॉग, इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू क्या है हमारी, बैच 6 सेमी कॉलन यूजर स्पेस आईडी इक्वल टू एस ए एंड पासवर्ड इक्वल टू एस ए, ठीक है। हर पैरामीटर के बाद आप सेपरेटर के लिए सेमी कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हर पैरामीटर के बाद आप इसके बाद स्पेस दें ना दें वट एवर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आपने पैरामीटर के बाद एक सेमी कॉलम आपने लगा देना है, ठीक है, जो आप लगाना चाहें वो आप। ये चार पैरामीटर हमारे रिक्वायर्ड होते हैं जो हम देते हैं। अगर आप इस तरह नहीं लिख सकते, सर्वर एक्सप्लोरर में आए, राइट क्लिक करें कनेक्शन के ऊपर, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी में आ जाएं, कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करें एंड जो ऊपर वाली हमने बनाई है उसमें पेस्ट करें और
और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ एस ए, और ये मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, सेम थिंग, डेटा सोर्स सर्वर नेम इनिशियल कैटलॉग बैच 6 यूजर आईडी एस ए एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। ठीक हो गया, ये हमारी पहली नीड होती है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, जो इस वक्त हम कोड बिहाइंड में करते जा रहे हैं। ये हम मूव करेंगे कहाँ पे, हमारे क्लासेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पे लेके आएंगे, फिर बिजनेस लेयर्स एंड डेटा एक्सेस लेयर। सेकंड थिंग, हमें क्या चाहिए, डिम एसक्यूएल कमांड एज अ न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल हैं, न्यू यहाँ पे जस्ट इनिशियलाइज कर दें या कमांड का टेक्स्ट दे दें, कमांड का टेक्स्ट एंड कनेक्शन दे दें, कमांड टेक्स्ट कनेक्शन एंड ट्रांजैक्शन पीरियड दे दें उसका, सीक्वल ट्रांजैक्शन। तो मैं कहता हूँ जस्ट न्यू, मुझे नहीं चाहिए। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें हमने ली। उसके बाद जो हमारा सेव का बटन है, इसका नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, बटन सेव के ऊपर मैं इसे कहता हूँ कि यार कम से कम कैटेगरी जो है वो नल नहीं जानी चाहिए, कैटेगरी में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, या तो आप बैकएंड पे कंस्ट्रेंट लगा दें, ठीक है, या उसको यहाँ से हैंडल कर दें। तो कंस्ट्रेंट के ऊपर भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी विद वाइट स्पेस, अगर स्ट्रिंग खाली है, वाइट स्पेस मीन्स अगर यूजर ने जस्ट उसमें स्पेसेस दी है, तब भी कि स्पेसेस के अलावा और कुछ नहीं है, कौन सी चीज मी डॉट टी एक्स टी डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अगर ये खाली है, ठीक है, देन क्या करो, एग्जिट सब सब रूटीन से बाहर आ जाओ। ठीक है, या आप कहते हैं जी सब रूटीन से बाहर आने से पहले क्या कर दें, मी डॉट टी एक्स टी डिस्क्रिप्शन डॉट फोकस, उस पर फोकस कर दें। ठीक है, तो ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे, पहले ये एंड फुल कॉलन सेपरेटर है, उसके बाद ये को। ठीक है, एक तो ये ऐसे हो सकता है, दूसरा तरीका इफ मी डॉट टी एक्स टी डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग देन मी डॉट टी एक्स टी डिस्क्रिप्शन डॉट फोकस एंड एग्जिट सब रूटीन, सब रूटीन से बाहर आ जाए। ठीक है, लेकिन इसमें स्पेसिस को चेक नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा तरीका इफ मी डॉट टी एक्स टी डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स इज नथिंग देन मी डॉट टी एक्स टी डिस्क्रिप्शन डॉट फोकस एंड एग्जिट सब। ठीक है, तो मोस्ट जो स्ट्रांग है वो फर्स्ट वन है, जो आपके स्पेसेस को भी चेक करेगा, या इसको आपने यूज करना चाहते तो एक काम आप और भी कर सकते हैं, मी डॉट टी एक्स टी डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स डॉट ट्रिम, स्पेसेस को ट्रिम करें। ठीक है, इज नथिंग देन मी डॉट टी एक्स टी डिस्क्रिप्शन डॉट फोकस एग्जिट सब। ठीक है, अब अगर वाइट स्पेसेस हैं तो वो ट्रिम हो जाएंगे, राइट लेफ्ट अगर वाइट स्पेसेस हैं, ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस हैं तो वो ट्रिम हो जाएंगे, फिर उसके बाद चेक करेगा नथिंग तो नहीं, फिर इसको आप इक्वल टू के साथ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके, पहले हमने ये चेक कर लिया ब्लैंक तो नहीं है, अगर ब्लैंक नहीं है अब वो डेटाबेस की तरफ जाए तो मैं ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन डिटेल हम पढ़ चुके हैं, ट्राई कैच में आता हूँ। यहाँ पे मैं इसे क्या कहता हूँ, जो हमारा SQL मी डॉट SQL कमांड डॉट SQL कमांड इक्वल टू न्यू, अगर आप इसको न्यू करेंगे तो यहीं पे न्यू SQL कमांड, यहीं पे आप
दोबारा इसको इनिशलाइज कर दें अगर यहाँ पे आप न्यू नहीं करते। ठीक है, एक तरीका कार ये है, यहाँ पे आप कमांड का टेक्स्ट दे दें कामा, आप इसे बता दें कि एस क्यू एल कनेक्शन ये वाला यूज़ करना है, मैं यहाँ पर जाना। ठीक हो गया। दूसरा तरीका कि यहाँ पे हमने न्यू आर एड इनिशलाइज किया हुआ है, तो मैं कहता हूँ मी डॉट एस क्यू एल कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे कमांड टेक्स्ट जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग है। कमांड टेक्स्ट क्या है? स्ट्रिंग है गेट एंड सेट। ठीक है, आप ले भी सकते हैं और इसको दे भी सकते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड पर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कमांड की टेक्स्ट दी। उसके बाद आपने बताना होता है कि एस क्यू एल कमांड डॉट कमांड टाइप, टाइप इसकी क्या है, शो प्रोसीजर है, डायरेक्ट टेबल है या टेक्स्ट है। अगर यहाँ पे आप स्टोर प्रोसीजर का नेम देंगे देन आप यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट कर देंगे डायरेक्ट क्यूरी लिखेंगे तो फिर आप टेक्स्ट देंगे। ठीक हो गया, दो चीज़ें। उसके बाद तीसरी चीज़ मी डॉट एस क्यू एल कमांड डॉट कनेक्शन, कि इसने किस कनेक्शन को फॉलो करना है, इक्वल टू मी डॉट एस क्यू एल कनेक्शन, किस रास्ते से जाना है। ठीक है, फ्रंट एंड से बैक एंड पे किस रास्ते से जाना है और वहाँ पे जाके किससे बात करनी है, वो हम कनेक्शन में बताते हैं कि इस रास्ते से जाना है और इस डेटाबेस से बात करनी है। ये आपके पास ऑथेंटिकेशन पास है, कार्ड है या व्हाटएवर। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन मेथड आपके पास है। तो हमने उसे कहा कमांड टेक्स्ट, जो भी हम यहाँ पे कमांड देंगे, कमांड की टाइप बता दी कि ये उसकी टाइप है एंड कनेक्शन इक्वल टू दिस, ये उसका कनेक्शन। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, ये दूसरा तरीका। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे कमांड दे दें, जो भी आप कमांड देंगे वो डायरेक्ट टेक्स्ट इंक्लूड होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप शो प्रोसीजर देंगे तो देन आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस केस में एक ही लाइन और प्लस एक ही लाइन। ठीक है, और इस केस में ये तीन। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे हमने कमांड टेक्स्ट देना है। कमांड टेक्स्ट देने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्यूरी क्रिएट करता हूँ, सीक्वल में आता हूँ, न्यू क्यूरी। मैं यहाँ पे से कहता हूँ इंसर्ट इनटू आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी में जब हमने इंसर्ट करना है तो आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, यही बात है, क्योंकि आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। अगर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होती तो देन हम उसको यूज़ करते हैं। मैं कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और आईडी को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देना होता है, वैल्यूज़। उसको मैं सिंगल लाइन में लिखता हूँ वैल्यूज़। ठीक है, और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ देनी। इसको हम कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पर ले आता हूँ इंसर्ट इन टू आइटम कैटेगरी डिस्क्रिप्शन डीएक्टिव वैल्यू इक्वल टू दिस। अब वैल्यू मैं एक स्ट्रिंग में दे रहा हूँ, पहले की वैल्यू मेरे पास कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग इंसर्ट से स्टार्ट हो, यहाँ पे एंड हो। ठीक है, शुरू में सिंगल कोड दे देते हैं, सिंगल कोड चाहिए होता है आपको डिस्क्रिप्शन की वैल्यू देने के लिए। ठीक है, उसके बाद कंकैटिनेट हो किसके साथ, मी डॉट टी एक्स टी डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट के साथ, एंड देन अगेन कंकैटिनेट हो उससे आगे यहाँ तक। तो ये मेरी होगी पहली वैल्यू, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एंड का साइन लगाया। ठीक है, अब इसको अगर आप इसके साथ मैच करें तो डबल कोट अगर आप हटा दें, यहाँ से भी डबल कोट हटा दें, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करके ले आता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो हमने क्या करना है, होम डबल कोट मैंने हटा दिए, डबल कोट एंड एंड ये वीबी का सिंटैक्स है, हटा दिया डबल कोट एंड एंड हटा दिया। ठीक है, और यहाँ से ये हटा दिया, तो सेम लाइक। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू जो डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट बॉक्स में लिखी है वो रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पे।
ठीक हो गया। डबल कोट एंड जो है, डबल कोट हमारे पास डॉट नेट में स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एंड जो है वो कंकेटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने क्या किया, जहाँ तक स्ट्रिंग लिखी, ठीक है, लाइक दिस, एक स्ट्रिंग आ गई, उसको यहाँ पे मैंने क्लोज किया और उसके साथ मैंने दूसरी स्ट्रिंग जोड़ दी, फिर उस स्ट्रिंग को यहाँ पे क्लोज किया, उसके साथ ही आगे वाली स्ट्रिंग जोड़ दी। यहाँ तक पहली वैल्यू आ गई, कामा, मैंने सेकंड वैल्यू देनी है, ट्रू या फॉल्स, डीएक्टिव या, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अगेन सिंगल कोट और डबल कोट, इसको यहाँ पे मैंने कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। दो एंड के साइन और इनके बीच में मैंने दे दिया मी डॉट सी एच के चेक बॉक्स डी एक्टिव डॉट चेक्ड। चेक्ड हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, उसकी चेक्ड स्टेट रिटर्न करेगा। चेक होगा तो ट्रू, चेक नहीं होगा तो फॉल्स, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया सिंगल कोट के साथ, ठीक हो गया, लाइक दिस। इंसर्ट इनटू आइटम कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी डायरेक्ट, एंड डी एक्टिव की वैल्यू मैंने यहाँ पे दी, स्ट्रिंग को तोड़ा एंड जोड़ा यहीं पे उसको मैच आता, ठीक है। ये तो हो गया सबसे बेसिक एक फर्स्ट तरीका, ओके। यहाँ पे अब हम आते हैं, हमारे पास क्यूरी बन गई, हमने उसको टाइप बता दी, कनेक्शन दे दिया। अब हम कहते हैं इफ मी डॉट एस क्यू एल कनेक्शन डॉट स्टेट इक्वल टू ओपन नॉट ओपन, अगर ओपन नहीं है उसकी करंट स्टेट कनेक्शन की, तो क्या कर दो, मी डॉट एस क्यू एल कनेक्शन डॉट ओपन, तो क्या कर दो, कनेक्शन को ओपन करो, ठीक है, कनेक्शन ओपन करो। ओपन करने के बाद अब क्या करो कि मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है, ये इंसर्शन की कमांड है। हमारे पास दो किस्म की कमांड्स होती हैं, एक वो जो हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करती हैं और एक वो जो हमें कुछ रिटर्न नहीं करती, ठीक है। इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, आप इन्हें ऑर्डर करेंगे, जाएंगे, परफॉर्म कर देंगे, दैट्स इट, क्लोज। आप कहते हैं सेलेक्ट, तो सेलेक्ट आपको रिटर्न करेगी चाहे डेटा मिले या ना मिले, डेटा नहीं मिलेगा तो नथ रिटर्न करेगी, मिलेगा तो डेटा रिटर्न करेगी, ठीक है। तो एक क्यूरी ऐसी होती है जो आपको डेटा रिटर्न करती हैं, और एक इस किस्म की होती हैं जो रिटर्न नहीं करती, ठीक है। जो रिटर्न नहीं करती उनको हम नॉन क्यूरीज कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, डॉट नेट की ज़ुबान में नॉन क्यूरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कहूँगा मी डॉट एस क्यू एल कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कि ये जो ऊपर हमने काम लिखा है चार पांच लाइनों का, ये यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करवा दो, ठीक है। एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमें ये मैसेज बॉक्स शो करे, कैटेगरी सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन और जो जो ब्ला ब्ला देना चाहें, टाइटल सेव्ड इन्फो एंड क्लोज, ठीक होगा। अगर इन केस किसी जगह कोई प्रॉब्लम है, एरर आता है, देन मैसेज बॉक्स ex.message exclamation sign and error occurred, error आए या ना आए, finally इसने क्या करना है, me dot sql connection dot close, connection को close करते हुए जाए, कमांड को डिस्पोज करे ना करे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कमांड डिस्पोज करवाएं ना कराएं, लेकिन कनेक्शन की स्टेट जो है वो प्रॉब्लम करती है, इसीलिए मैंने ऊपर कंडीशन लगाई है कि कनेक्शन जो है वो ऑन ऑफ हो। ये सबसे बेसिक वे है जो मे बी कि हम फर्दर यूज़ ना करें, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है ऐसे भी होता है, ठीक है, ये सबसे बेसिक है।
इसमें मैंने कहा कैटेगरी जब एग्जीक्यूट होगी, अगर इस दौरान कोई भी एरर आए एग्जीक्यूशन के बाद, मैंने मैसेज बॉक्स शो किया कि अगर एग्जीक्यूशन में कोई एरर है तो ये यहाँ से जंप करके कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, और उसके बाद फाइनली कनेक्शन को क्लोज करेगा। इसकी एग्जांपल ये है, आपके पास गोदाम की चाबी, ठीक है, फ्रंट एंड आपका शॉप है एंड बैक एंड आपका वेयर हाउस है। आप फ्रंट एंड से एक चीज़ लेके जा रहे हो अपने गोदाम में या वेयर हाउस में, आपने लॉक ओपन किया, डेटा सोर्स आपके पास मैप था, इनिशियल कैटेग लॉग आपके पास, स्ट्रीट एड्रेस था, यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास की थी, ठीक है, आप गए, आपने लॉक ओपन किया मींस कनेक्शन ओपन किया, क्यूरी थी कि ये चीज़ हमने वहाँ पे छोड़नी, वो चीज़ आपने उठाई वहाँ पे छोड़ी, ठीक है, रास्ते में कुछ भी हुआ या आपने छोड़ी नहीं छोड़ी, कोई एरर आया, कुछ भी एग्जम्पशन कुछ भी हुई, आपने क्या करना, वापसी भी आते हुए उसको लॉक करना है, देन यू हैव टू रिटर्न बैक, ठीक है, चाहे आपके वहाँ रखते वक्त आग लग गई, वट एवर जो भी हो गया, आपने उसको लॉक करना है, वापस आ जाए, ठीक है। सेम यही चीज़ है, अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो सेम यही है। आपने रास्ता बताया, आपने कहा ये काम करना है, इस तरीके से करना है, इस जगह जाना है, ठीक है, आप गए, आपने लॉक ओपन किया, वही काम परफॉर्म किया, परफॉर्म हो गया, दैट्स इट, आपने क्लोज किया वापस। अगर कोई एरर आया फिर भी आपने क्लोज किया वापस, ठीक हो गया। ये एग्जांपल छोटे से, ओके, अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आइटम कैटेगरी मैं से कहता हूँ कैटेगरी सी एंड ये डीएक्टिव नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा। मैंने इसे कहा सेव रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ गया कैटेगरी सी डीएक्टिव जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, एक एरर जनरेट करता हूँ, मैं यहाँ से सर्विस स्टॉप कर देता हूँ, सीक्वल की सर्विस को स्टॉप कर देता हूँ, अब क्या है जी, आप गोदाम तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है आपकी, रास्ते में कोई हर्डल है, ठीक है, देन सर्विस हमारी स्टॉप होगी। अब मैं इसे कहता हूँ कैटेगरी डी एंड ट्राई टू सेव इट। जब आपकी सर्विस क्लोज होती है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि आपने जो डेटा सोर्स दिया होता है उसको ढूंढने का कोई रास्ता देखता है, उसको पिंग कर रहा होता है, उसके नेटवर्क पे जाता है, मल्टीपल ऑप्शन से उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। एक्सेसिबिलिटी ना हो तो आपके पास एरर नंबर 40 आता है जो कहता है कुड नॉट ओपन अ कनेक्शन टू सीक्वल सर्वर, कि मेरी डेटाबेस तक रसाई नहीं है। अ नेटवर्क रिलेटेड और इंस्टेंस स्पेसिफिक एरर वाइल एस्टेब्लिंग अ कनेक्शन टू सीक्वल सर्वर, मैं नहीं पहुंच सकता, ठीक हो गया। तो इस केस में होता क्या है, स्टॉपर लगाते हैं, मैंने सेव पे क्लिक किया एंड F10 सारा काम सही होगा जब वो कनेक्शन ओपन करने लगेगा, कनेक्शन ओपन नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ से वो जंप करेगा कैच के ऊपर, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। ठीक है, कनेक्शन ओपन करने की कोशिश की, कैच पे जंप हो गया, नहीं हुआ, तो वही एरर जो हमें एक्सेप्शन डॉट मैसेज के थ्रू आएगा सेम एज इट इज़, आप यहाँ पे उसको कैच कर सकते, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिकेशन, आप अगर किसी चीज़ पे एरर आ रहा है आपका, ठीक है, बार बार, तो आप लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं कि कहाँ से एरर पे जंप हुआ, यहाँ से जंप हुआ, यहाँ से जंप हुआ, वट एवर कहाँ से जंप हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा कॉलम नेम है मैं वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको हम
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्विस को अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। और मल्टीपल एरर्स जो है वो जनरेट करवाते हैं। मैं क्या करता हूँ, आइटम कैटेगरी में जाके आइटम कैटेगरी में मैं कॉलम नेम जो है वो चेंज कर देता हूँ। ओके, इसको क्लोज करें, प्रीवियसली ओपन है इसको भी क्लोज करते हैं, दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। आइटम कैटेगरी डिज़ाइन मोड, और मैं यहाँ पे इसे अल्टर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन वन एंड सेव इट। हमने कॉलम नेम चेंज कर दिया, हमारा डेटाबेस तक एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं F10। तो अब ये एग्जीक्यूशन के ऊपर एरर देगा, कनेक्शन ओपन हो गया क्योंकि कोई इशू नहीं है। अब ये एग्जीक्यूशन करेगा तो इस पे एरर आएगा, ठीक है। एरर क्या है, F5 करते हैं, तो एरर इनवैलिड कॉलम नेम, कॉलम नेम जो आपने दिया है वो गलत है, ठीक हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, कॉलम नेम तो ठीक कर देते हैं, डेटाबेस नेम को अगर आप चेंज कर रहे हैं, और सॉरी टेबल नेम को या डेटाबेस नेम को, तो देन डेटाबेस नेम चेंज होगी तो आपका कनेक्शन ओपन होने पर एरर आ जाएगा, ठीक है। कि डेटाबेस नेम तक मेरी रसाई नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। टेबल का नेम चेंज करेंगे तो टेबल, अगर आपकी क्यूरी गलत है तो इनकरेक्ट या इनवैलिड सिंटैक्स एरर, ठीक है, वो आपको आ रहे होंगे। तो ये मल्टीपल एरर्स हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं कि किस जगह पे क्या क्या एरर है, ठीक हो गया। ओके, अब एक और जेन्युइन एरर, मैंने डी को अगर सेव करता हूँ तो ये नॉर्मली सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल कोड के साथ आइटम्स कैटेगरी। अब सिंगल जो है कोड वो इसका .NET का एक अपना कीवर्ड भी है जिसके लिए हम लाइन कमिट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब क्या होता है, इनकरेक्ट सिंटैक्स एरर नियर एस सिंगल एस, क्यों कि जब ये आपकी क्यूरी में जाके अपेंड होगा, जब ये आपकी क्यूरी में जाके, इसको कॉपी करता हूँ, जब आपकी क्यूरी में यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल लगे हुए हैं, तो जब ये डेटाबेस में जाता है तो ये क्या करता है, ठीक है, मैं अगर इसे कहता हूँ इंसर्ट इनटू आइटम कैटेगरी डिस्क्रिप्शन वैल्यूज, सिंगल कोट ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम्स, ठीक है, आइटम्स कैटेगरी, ठीक हो गया। तो इस काम में जो आपका ये बेसिक काम है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये आपका क्यूरी के अंदर ही वैल्यूज अपेंड हो जाती हैं जिसकी वजह से सिंटैक्स एरर जनरेट होता है, ठीक है। इस केस को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, अब हम आते हैं एक और बेसिक तरीके पे जो इससे सिमिलर है, यहाँ तक कोई इशू, रिपीट कर देता हूँ। दो चीज़ें आपको चाहिए, कनेक्शन एंड कमांड, कमांड्स के पैरामीटर, ठीक है, कनेक्शन को ओपन करवाना और कमांड को एग्जीक्यूट करना, बस, ठीक है। ये चार से पांच लाइन आपको याद करनी है। यही काम मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे कमेंट करता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब मैं वैल्यूज की जगह क्या करता हूँ कि जो हमने वैल्यूज दी थी, वैल्यूज की जगह मैं पैरामीटर वैल्यू देता हूँ, कॉपी एट द रेट डिस्क्रिप्शन डिएक्टिव है, कॉपी एट द रेट डिएक्टिव या एट द रेट पैरामीटर वन पैरम वन एट द रेट पैरम टू एट द रेट ABC एट द रेट XYZ जिस तरतीब चल रहा था। पहला पैरामीटर रिप्रेजेंट करेगा पहली वैल्यू को एंड सेकंड पैरामीटर रिप्रेजेंट करेगा सेकंड वैल्यू को, ठीक हो गया। हमने कमांड टेक्स्ट दे दिया, कनेक्शन दे दिया। कनेक्शन ओपन करने से पहले मैं इसे कहता हूँ मी डॉट
me dot sql command dot parameters dot all करें parameter dot add. एक है add, जब आप add करेंगे पैरामीटर की वैल्यू देंगे, आप एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे, पैरामीटर राइट करेंगे, उसकी डेटा टाइप देंगे या पैरामीटर का नेम प्लस उसकी डेटा टाइप, पैरामीटर नेम डेटा टाइप उसका साइज एंड फोर्थ वन पैरामीटर टाइप साइज एंड कॉलम ऑफ सोर्स जहां से आप उसकी वैल्यू दे रहे हैं. एक तरीका कार ये है, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ एड विद वैल्यू, कि मैं जस्ट पैरामीटर का नेम दूँ और उसकी वैल्यू दूँ, टाइप क्या है मुझे इस जनरेट में नहीं पड़ा. ठीक हो गया, एक तरीका कार ये. अच्छा यहाँ पे मैं पैरामीटर का वैल्यू दे दूँ, उसका सॉरी नेम दे दूंगा और वैल्यू मी डॉट टी एक्स टी डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम. ट्रिम स्पेसेस हैं अगर राइट लेफ्ट तो वो खत्म हो जाए, डायरेक्ट वैल्यू जाए. ठीक है. अच्छा अब आप एक चीज नोट करें कि हमने हर जगह इसको यूज किया हुआ है, यहाँ 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 एवरीवेयर. स्टार्ट में हमारे पास ये, मैं कहता हूँ यह बार बार लिखना ना पड़े, विद मी डॉट एस क्यू एल कमांड. उसके बाद ये चीज़ें मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, और अब मैं जब भी डॉट प्रेस करूँगा तो मेरे पास इसके बाद की चीज़ें आएंगी. ठीक है, ये काम आई थिंक हम कर चुके हैं. ग्रेट मैन. ठीक है, इस चीज से बचने के लिए कि बार बार ना लिखना पड़े. ठीक हो गया, मैंने कहा डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू एंड सेकंड पैरामीटर देन उसकी मी डॉट सी एच के चेक बॉक्स डॉट चेक्ड. ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास ये है शुरू में एट द रेट, सेकंड पैरामीटर ये है कमांड टाइप जो है अभी भी टेक्स्ट है क्योंकि हम डायरेक्ट टेक्स्ट लिख रहे हैं. अब क्या होगा कि जो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए या पैरामीटर डिफाइन किए हुए उनकी वैल्यूज वो यहां से पे कट करेगा. ठीक हो गया, सेम उसी तरह से कनेक्शन अगर ओपन नहीं है ओपन करो, क्यूरी को नॉन क्यूरी एग्जीक्यूट एंड दैट्स इट, बला बला बला, सारी चीजें सेम होंगी. पहले में यह था कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है जब आप स्ट्रिंग को तोड़ते जोड़ते हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है. ठीक है, और दूसरा उसमें एक एरर आता है अगर यूजर ने सिंगल कोट इस्तेमाल कर दिया, परसेंटेज इस्तेमाल कर दिया या कुछ इस तरह का सैंपल इस्तेमाल कर दिया जो सीक्वल में यूज़ हो रहा है या डॉट नेट में यूज़ हो रहा है, तो उस बेका मैन सिंटैक्स एरर. ओके अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. यहाँ पे कहता हूँ ए बी सी एंड शुरू में कुछ स्पेसेस डाल देते हैं और कुछ यहाँ पे स्पेसेस डाल देते हैं, सेव कर देते हैं रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली. जब हम डेटाबेस में जाएंगे इसको देखने के लिए तो हमारे पास स्पेसेस नहीं होंगे. इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट इट हियर समवेयर, तो जस्ट ए बी सी. ठीक है, ट्रिम जो है वो राइट एंड लेफ्ट दोनों जगह से स्पेसेस को रिमूव कर देगा. नहीं यूज़ करना चाहते किसी जगह ज़रूरत है कि स्पेसेस जाने चाहिए वहाँ आप नहीं यूज़ करें. ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारा दूसरा तरीका है जो सिंपल वे है. ठीक है, सिंपलेस्ट वे. थोड़ा सा आगे चलो, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कनेक्शन को मैं यहाँ से उठा के दूसरी क्लास में ले जाता हूँ. ठीक है, कनेक्शन को उठा के यहाँ से मैं दूसरी क्लास में ले आता हूँ. इस कनेक्शन को यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ एंड कॉपी. हम एक क्लास वन बनी हुई है उसी में बना लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं होम डिलीट एंड और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ इम्पोर्ट. ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसका स्कोप करना पड़ेगा प्राइवेट. ठीक है, ओके. अब अगर मुझे ये कनेक्शन वहाँ पे देना है, मैं इसको यहाँ पे शेयर्ड डिफाइन कर लेता हूँ. ठीक है, ताकि ये शेयर्ड हो
ठीक है, स्टैटिक मेंबर जिसे हम कहते हैं। फिर यहाँ पे अब मुझे कनेक्शन देना है, मैं इसको कमिट करता हूँ, न्यू लाइन डॉट कनेक्शन इक्वल टू क्लास वन डॉट एसक्यूएल कनेक्शन। शेड है इस वजह से आपको उसका इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह से क्लास वन और डॉट को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और सॉरी क्लास वन मी की जगह आ जाएगा। ठीक है, इसकी मैं अलग कॉपी बना लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास एंड क्लास वन डॉट कनेक्शन। ठीक है, सेम इसी तरह से इसकी भी एक कॉपी बना लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और दिस वन इज क्लास वन एसक्यूएल कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक हो गया, ओके। एक तरीका कार तो ये हो गया कि मैंने कनेक्शन को उठाया, दूसरी जगह पे मूव कर दिया। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सेव सक्सेसफुली, दैट्स इट, ओके। अब हम आते हैं कि कनेक्शन में हमने फिक्स्ड की हुई है वैल्यू, अगर मुझे किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कोई दूसरी डेटाबेस यूज करनी हो, उसका इंस्टेंस नेम डिफरेंट हो, डेटा सोर्स डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया घर में, अब मैं दूसरे दोस्त के घर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे इसको इंस्टॉल करता हूँ और वहाँ पे उसका इंस्टेंस नेम एंड डेटा सोर्स नेम डिफरेंट है, डेटाबेस का नेम चले मैं सेम भी अगर कर देता हूँ, डेटा सोर्स नेम डिफरेंट है, तो मुझे दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से कनेक्शन स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी, देन आई विल बिल्ड अगेन और फिर मैं उसको चलाऊंगा। ठीक हो गया, तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कि यार ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं रन टाइम पे मेरे पास एप्लीकेशन बिल्डेड पड़ी है, मैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं करूं, दोबारा बिल्ड नहीं करूं, दोबारा डिबग नहीं करूं, मैं एप्लीकेशन उठाऊं, लेके जाऊं, पैरामीटर की वैल्यूज अपनी फॉर्म लेवल पे, फाइल लेवल पे चेंज करूं और काम हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, मैं आता हूँ प्रोजेक्ट पे। ठीक है, उसके अंदर माई प्रोजेक्ट है, माई प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग है, अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता, प्रोजेक्ट पे आए, प्रॉपर्टी में आए, तो प्रॉपर्टी में सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ माई कनेक्शन, यहाँ पे टाइप देता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, एप्लीकेशन लेवल है, कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी है आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जुबानी लिखना चाहें टाइप कर लें, कॉपी पेस्ट करना चाहें कॉपी पेस्ट कर लें, वट एवर जो आपको ईजी लगता है। ठीक है, जब आप कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे तो आपको ओके, एक चीज़ और, अगर आपका डेटा सोर्स एक्चुअल नहीं आ रहा जो आपको चाहिए, तो आप यहाँ से उसको दोबारा चेंज करके बैकवर्ड एंड देन मूव टू फॉरवर्ड। ठीक है, ऑथेंटिकेशन दी, दिस वन एंड दिस वन, सेव माय पासवर्ड लाइक और बैच सिक्स एंड ओके। अब ये कह रहा है कि पासवर्ड जो है वो आपका आ रहा है, तो क्या आप उसको इसी के अंदर रखना चाहते हो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर, सेंसिटिव डेटा है। मैं कहता हूँ ठीक है रख दो, अभी इसके अंदर रख दो, आई विल, इसको हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, सेम वही चीज़, डेटा सोर्स इनिशियल कैटलॉग, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इनिशियल कैटलॉग बेसिक्स यूजर आई डी एंड पासवर्ड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये मैंने क्या किया, माई सेटिंग के अंदर, प्रोजेक्ट की सेटिंग्स के अंदर, प्रोजेक्ट जो है जब आप उसको कॉल करते हैं तो उसके लिए माई का वर्ड यूज होता है। ठीक है, अब हम आएंगे क्लास में, मैं इसको कमिट कर देता हूँ और यहाँ से लेके एंड तक कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और मैं इसे कहता हूँ कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग ना यूज़ करो, आप यूज़ करो माई डॉट सेटिंग डॉट माई कनेक्शन जो हमने वहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो ये आपको क्या कह रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, मैं माई कनेक्शन, तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एज अ स्ट्रिंग, दैट्स इट। ठीक हो गया, अब एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ कनेक्शन सेव सक्सेसफुल, ओके। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैंने एप्लीकेशन बिल्ड कर दी, आई डोंट वांट टू बिल्ड इट एनी मोर, मैं इसको मज़ीद बिल्ड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा फाइनल है,
तो डिबग के अंदर आपके पास आपके प्रोजेक्ट के साथ डॉट एक्सी डॉट कन्फिग एक्सएमएल एक फाइल आएगी, उसको आप एडिट कर लें नोट पैड और या आपने कोई भी टूल इंस्टॉल किया हुआ है एक्सएमएल के लिए, जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग दी थी वही आ रही है आपकी। आपने नेम था आपके प्रोजेक्ट का नेम माई डॉट सेटिंग डॉट माई कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग सीक्वल सोर्स एंड दिस 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 इनिशियल कैटलॉग दिस यूज़र आईडी दिस एंड पासवर्ड दिस। तो आप इसको यहाँ पे आके चेंज कर दें और आप एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से उठा रहा है, अब ये एग्जी यहाँ से इससे बात करेगी और कनेक्शन स्ट्रिंग इससे उठाएगी, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर दें और वी एस होस्ट में अगर चेंज करना चाहें तो कर दें, नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम उसकी कॉपी होती है, ठीक है। क्लियर होगी गाने। अब आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करें, इसको उठा के दूसरी पीसी पे ले जाएं और वहाँ पे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को उसके मुताबिक चेंज कर दें जिस तरह का वो सिस्टम। उसमें अगर डेटा सोर्स इंस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट सर्वर नेम है तो वो डाल दें, डेटाबेस का नेम आप ए बी सी एक्स वाई जी व्हाटएवर जो भी है वो डाल दें, ठीक है। आपका बाकी डेटाबेस का स्ट्रक्चर वही होना चाहिए जो प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हुआ हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गए, ये हमारे हो गए मल्टीपल वे। कि सिंपल सिंपलेस्ट वे जो है डेटाबेस को एक्सेस करने का वो ये है, और सिंपलेस्ट को अगर थोड़ा सा एडवांस करें, ये चीज़ मैंने आपको माई सेटिंग की इसलिए पढ़ाई है कि थोड़ा हम आगे जाके इसी के ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में हमारे यही यूज़ होगा और फिर इसको हम मज़ीद चेंज करेंगे और ऐप डॉट कन्फिग की फाइल्स के अंदर जो आपको यहाँ पर नज़र आएगी ऐप डॉट कन्फिग। जैसे ही आप सेटिंग्स के अंदर कुछ चीज़ चेंज करते हैं तो ऐप डॉट कन्फिग की फाइल बनती है, ठीक है। तो ये वही है जो आपकी वहाँ पे डॉट कन्फिग के नाम से सेव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी कीज़ क्रिएट करेंगे, उसकी वैल्यूज़ क्रिएट करेंगे ताकि अगर हमारे पास मल्टीपल लेयर्ड हो तो हम एक लेयर से दूसरी लेयर पे मूव कर सकें, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई क्वेश्चन हो। ये सर्वर एक्सप्लोरर में डाटा कनेक्शन क्रिएट किया है, उसको हमने यूज़ नहीं किया, वो जस्ट समझाने के लिए आपको क्रिएट किया, वो इसका से कोई नहीं, नहीं वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तब भी काम करेगा, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट इट अगेन। और मैं इसको कहता हूँ जी यहाँ पे आ जाए जी, जी 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 जी, ठीक है, एंड कैन चेक इट फ्रॉम हियर, ठीक। उसके इससे कोई तलक नहीं, वो मैंने आपको समझाने के लिए, अगर आप टाइप नहीं कर सकते, आपको समझ में नहीं आ रही कि मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग क्या बन रही है, ठीक है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप जब सीक्वल से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर जब आप कनेक्ट हो रहे होते हैं तो ये आपका सर्वर नेम है जो डेटा सोर्स है, ठीक है, यूज़र आई डी एंड पासवर्ड, इनिशियल कैटलॉग जिस डेटा बेस पर आप काम कर रहे हैं वो इनिशियल कैटलॉग, यही आपने क्रेडेंशियल वहाँ पर देने होते हैं, ठीक हो गया। चीज़ क्लियर है यहाँ तक, कोई यहाँ तक परेशानी? आगे हम थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल पे मूव करेंगे तो लो, सो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करके, ठीक है। इसको हम पैरामीटर मैंने इसलिए यूज़ किए कि आगे जाके हम पैरामीटराइज्ड क्यूरीज होंगी हमारी टोटल, ठीक है, लेकिन उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको कॉल करने का, उसको यूज़ करने का, इससे थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि हम अपनी लॉजिक क्रिएट करेंगे, अपनी डेटा एक्सेस लेयर क्रिएट करेंगे, तो हम ये डेटा उठा के डेटा एक्सेस बिजनेस लेयर को देंगे, बिजनेस लेयर डेटा एक्सेस लेयर को देगी, डेटा एक्सेस लेयर डेटाबेस से बात करेगी और फिर हमें वापस रिटर्न आंसर करेगी जो भी हमने करना होगा, ठीक है। हमारे जितने भी सिलेक्शन इंसर्शन अपडेशन डिलीशन व्हाटएवर जो भी होगा वो यहाँ तक होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई टेंशन? सेव कर दूँ इसको, ये थोड़ा आगे चलो, यहाँ तक बहुत है।